हेलो दोस्तों, एमकेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आएगी, और वो है मुंह में घुल जाने वाले साबूदाने के पापड़। इसे बनाना बहुत ही आसान है, और जिसे कुकिंग नहीं आती है वो भी बहुत ही आसानी से ये पापड़ बना लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये साबूदाने के क्रिस्पी और मुँह में घुल जाने वाले पापड़ कैसे बनते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। एक बर्तन में हमें साबूदाना लेना है। साबूदाना के लिए मैंने एक मेज़रमेंट का कप लिया हुआ है। आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं जो आपके घर में हो। साबूदाने को अच्छी तरह से दो तीन पानी में आप धुल लीजिए और फिर उसमें पानी डालिए। पानी हमें उतना डालना है जितना हमने साबूदाना लिया है, और फिर उसे भीगने के लिए 2 से 3 घंटे रखना है। और 2-3 घंटे के बाद में साबूदाना हमारा अच्छे से फूल गया है और जितना हमने पानी डाला था वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। एक हम बड़ा पतीला लेंगे और फिर उसमें जिस बाउल या कप से हमने साबूदाना लिया है उसी कप से 7 कप पानी जो है हम उस बड़े भगोने में डालेंगे। तो ये देखिए 7 कप हमने पानी ले लिया है। अब हम उसे गैस पे उबलने के लिए रखेंगे, और जब पानी में अच्छे से उबाल आने लगेगा तब हम गैस बंद कर देंगे। फिर हम उसे उतार के नीचे रखेंगे और जो हमारा साबूदाना फूला हुआ था उसको, ये देखिए हमारा फूला हुआ साबूदाना है, उसे उस गर्म पानी में डालेंगे और अच्छी तरह से चम्मच से मिला के और रात भर के लिए ढक के हम उसे रख देंगे। और सुबह फिर हम ढक्कन खोल के देखेंगे। ये देखिए साबूदाने ने बिल्कुल और फूल गया है अच्छी तरह से, और ये देखिए ट्रांसपेरेंट दिख रहा है साबूदाना हमारा। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें साबूदाना डाल के उसका पेस्ट बनाएंगे। हमें अलग से पानी यूज़ नहीं करना है, जो हमने साबूदाना भिगोया था वो पानी हमें इस्तेमाल करना है पीसने के लिए। तो ये देखिए हमारा एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है। हमने इसी तरह जो बचा हुआ साबूदाना है उसे भी पीस लेना है। ये देखिए हमने बचे हुए साबूदाने को भी अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये साबूदाने का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इस समय चाहें तो खड़ा जीरा डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। बस ये सब तैयार हो गया अच्छी तरह से मिक्स करके। फिर साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए आप एक प्लास्टिक बिछा लें, और ये मैंने यहाँ पे मोल्ड लिया हुआ है राउंड, और चूड़ियाँ ली हुई हैं, और इसकी सहायता से हम जो है एक शेप जैसा पापड़ बनाएंगे। आप चाहें तो बिना इसके भी बना सकते हैं। बस इन चूड़ियों को या रिंग को जो है हमने लिया हुआ है उसे प्लास्टिक पेपर पर रखें और उसमें 1-1 टेबल स्पून साबूदाने का बैटर डालते जाएं। ये अपने आप ही फैल जाएगा। अगर नहीं फैल रहा है तो आप हल्के हाथों से इसे फैला दीजिए। फिर इन चूड़ियों को दूसरी तरफ निकाल कर रख दें और फिर साबूदाने के बैटर इन चूड़ियों में डाल दीजिए। इस तरह आपके पापड़ झट से बन जाएंगे, और आप इसी तरह सभी पापड़ बना लीजिए। और एक तरफ सूख जाने के बाद में इसे पलट दें और 2 दिन तक के इसे तेज़ धूप में सुखाएं। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप घर में भी फैन में ये बना सकते हैं बड़ी आसानी से। हल्का सूख जाए तो आपके पास धूप नहीं भी आती होगी तो आपके पास बालकनी होगी, आप इसे बालकनी में बस 2 दिन तक बस हल्की सी गर्माहट धूप की दे दें।
तो ये देखिए पापड़ सूख कर एकदम तैयार हैं। तो चलिए इसे तल कर देखते हैं। तेल गरम करें और फिर फ्लेम को लो कर दीजिए और साबूदाना पापड़ डालते जाएं और फटाफट साबूदाने के पापड़ तलकर तैयार हो जाएंगे। देखिए तैयार हैं साबूदाने के क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाले साबूदाने के पापड़। तो ये देखिए हमने तल के तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से फट से टूट जा रहा है और क्रिस्पी भी है। बस इसी तरह आप व्रत में बनाइए और खाइए। और अगर आपको साबूदाने के पापड़ पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।